नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं द लल्लनटॉप.com। थोड़ा सा उदास कारण है इस बातचीत को रखने का। राहत इंदौरी मशहूर शायर और कवि हमारे बीच नहीं है और उनसे बातचीत करने हम देश दुनिया के कवियों से, लेखकों से हम बातचीत आयोजित कर रहे हैं। उस क्रम में हम गीतकार स्वानंद किरकिरे से बातचीत कर रहे हैं। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राहत साहब का जाना एकदम बहुत बड़ा सदमा है यार, ऐसा मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि राहत साहब से मैं कई तरह से जुड़ा हुआ था। एक तो मैं इंदौर से हूँ, सबसे बड़ी बात ये इंदौर से ही हूँ मैं, राहत इंदौरी साहब जहाँ से हैं, और मैं उनके छोटे भाई थे आदिल कुरैशी साहब, जिनका 2 साल पहले इंतकाल हुआ। वो मेरे बहुत अजीज थे और मेरे बहुत अच्छे, मेरे बड़े भाई की तरह थे वो, मुझसे बहुत प्यार करते थे आदिल साहब और आदिल कुरैशी। और मैं और उनके थ्रू मैं राहत साहब को जानता था। राहत साहब से डर लगता था, राहत साहब बड़े थे, राहत साहब का इतना नाम था, और राहत साहब के सामने ये बोल पाना भी कि सर मैं भी कुछ लिखने की गुस्ताखी करता हूँ, ये उस समय पर संभव नहीं था, बोलता नहीं था मैं, कभी बोला नहीं मैंने। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि राहत साहब, वो जमाना था कि राहत साहब हिंदी फिल्मों के गीत लिखा करते थे। उस समय उन्होंने एक फिल्म लिखी थी, मुन्ना भाई एमबीबीएस के गाने लिखे थे, विधु विनोद चोपड़ा के साथ करीब फिल्म के गाने लिखे थे उन्होंने, और उसके बाद मुन्ना भाई एमबीबीएस के गाने लिखे थे। और उसके बाद मैं प्रदीप सरकार साहब के जरिए विधु विनोद चोपड़ा से मिला और उन्होंने मुझे परिणीता फिल्म के गाने लिखने के लिए कहा। जब परिणीता फिल्म के गाने लिखने के लिए मुझे कॉल आ रहा था, तो विनोद चोपड़ा साहब ने मुझे फोन करके पूछा था कि तुम भी इंदौर की हो क्या, मेरे सारे गीतकार इंदौर क्यों चले जाते हैं। और मैंने राहत साहब को बताया था कि मैंने विनोद के साथ काम कर रहा हूं, तो उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की थी। तब तक उनका दिल ऊब गया था, मतलब हिंदी फिल्मों से, और वो शायरी और मुशायरों की दुनिया में चले गए थे। और वहां पे जिस तरह का तहलका उन्होंने मचाया है, मतलब वाह 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 वाह, अद्भुत। अरे मैं बनारस का हूँ मूलतः, तो बनारस में एक इंडो पाक मुशायरा शुरू हुआ है, तो वो काफी 22-23 सालों से होता था, और उसके पहले संस्करण से लेकर वो आखिरी तक राहत इंदौरी उसमें हमेशा आए हैं, मतलब वो उसके मुख्य अतिथि रहे, हर साल आए हैं। और उनके उस मेले में, जलसे में भयानक भीड़ होती थी, भयानक भीड़ रहती थी। लेकिन जैसे मैंने मुशायरे, राहत साहब का भी जश्न राहत, अभी जो आखिरी मुशायरा इंदौर में उनका हुआ था, उनको सम्मान दिया गया था, और उनके लिए एक मुशायरा हुआ था जिसका नाम ही था जश्न राहत, और उसमें मुझे शिरकत करने का मौका मिला था। और मैंने पहले कभी मुशायरों में, मैं उस तरह का शायर नहीं हूँ कि जो मैं मुशायरों में पढ़ता हूँ, हम तो फिल्मी लोग हैं, हम फिल्मों के गाने लिखते हैं और कविताएं यहाँ वहाँ पढ़ देते हैं। लेकिन वो उस मुशायरे में मुझे जाने का मौका मिला था, और मतलब लाखों लोगों की भीड़ थी। और अगर अंग्रेजी में कोई कहते हैं ना कि जैसे विदेशों में रॉक स्टार हुआ करते हैं, बड़े बड़े सिंगर्स हुआ करते हैं, जिनको देख के लोग पागल हो जाया करते हैं, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का उसका वर्जन राहत इंदौरी थे। राहत इंदौरी को सुनने के लिए रात के 3:30-4 बजे तक औरतें, बच्चे, जवान, बूढ़े बैठे रहते थे कि एक राहत साहब का शेर सुने और उसके बाद उठे। तो बहुत बहुत उनका कनेक्ट बहुत लाजवाब था। मैं इसी बात पे कह रहा था, क्योंकि रात को 3-4 बजे के बाद बनारस में दो ही अच्छे उत्सव फेमस हैं। एक वो इंडो पाक मुशायरा, जिसमें राहत इंदौरी के सेशन के रात को 2-4 बजे लोग आते थे, पहुंचते थे, रात को 100 के पहुंचते थे कि 1 बजे तक पहुंचेंगे, राहत इंदौरी साहब बैठेंगे। और दूसरा एक संकट मोचन संगीत समारोह हुआ करता है जो हर साल, उसके बारे में, हाँ, तो उसके बारे में जैसे राहत साहब से कभी पहली मुलाकात कब हुई, ऐसी कोई याद, कोई किस्सा उनसे जुड़ा हुआ, कुछ ऐसा क्या कौंधता है मन में? साहब से मेरी मुलाकात बहुत पहले मेरी मुलाकात, मैं बचपन से देखता रहा हूँ राहत साहब को, क्योंकि आदिल भाई के बड़े भाई थे वो, तो देखना उनको, स्कूटर पे आते जाते थे, तो मैं भी उनको भी देखता रहता, स्कूटर चलाते थे वो। बहुत 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 खूबसूरत जर्नी है राहत साहब की अपनी जिंदगी की, जो आदिल भाई हमको सुनाया करते थे। मतलब काफी गुर्बत से वो लोग निकले थे, पढ़ाई लिखाई की थी उन्होंने, डॉक्टरेट तक पहुंचे थे, उर्दू के बहुत बड़े स्कॉलर थे। और राहत साहब के साथ ये मेरा एक दोस्त है रवि, उसके नाटक के गाने लिखे थे राहत साहब ने, ईदगाह नाम के नाटक के गाने, तो उसने वो चला गया था, मतलब आदिल साहब की तरफ से रवि ने अभी शेयर किया है तो मुझे वो याद आ रहा है। तो मूछों वाला गाना लिखा था उन्होंने ईदगाह के लिए कि मूछों वाला रावण लाई, राम लाई ईद, 30 रोज के रोजों का इनाम लाई ईद। क्या खूबसूरत गाना लिखा था। और तो मैंने वो गाना अभी रवि ने शेयर किया तो मैं वही सोच रहा था कि क्या बात लिखी थी राहत साहब ने। उसके अलावा फिर मुझे यहाँ वहाँ जलसों में मिलते रहते थे, हाल हवाल पूछते रहते थे। फिर कुछ समय बाद लोग मुझसे भी सुनाने को कहते थे तो मैं उनके सामने सुनाता भी था। वो पीठ पे हाथ भी रखते थे, कहते थे अच्छा लिख रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो। एक मुशायरे में मुझे बुलाया गया था जहाँ पे राहत साहब भी थे, तो सबसे पहले राहत साहब ने मुझे मैसेज पहुंचवाया था कि देखिए आमद तो सभी अच्छी करते हैं, विदाई अच्छी करें तो ध्यान रखना, विदाई के पैसे वैसे ले लेना अच्छे से, क्योंकि आमद तो सभी जगह पे अच्छी होती है। तो इस तरह का उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी था, बहुत जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर था राहत साहब का। और उस तरह से बहुत ख्याल भी रखते थे उन्होंने। उस पूरे मुशायरे में इस बात का पूरा ख्याल रखा था क्योंकि उनको पता था कि मैं मुशायरों के वर्ल्ड का नहीं हूँ, तो उनको पूरा ख्याल था। उन्होंने रखा था कि भाई स्वानंद का ध्यान रखो, उसको पैसे वैसे मिल जाने चाहिए, उसकी गाड़ी का इंतजाम हुआ है कि नहीं हुआ, उसका जाने का इंतजाम हुआ है क्या उसका। तो उस तरह से वो ही वॉज एक्स्ट्रा केयरिंग एंड बहुत बड़े दिल का आदमी था, बड़ा मजेदार आदमी था। अच्छा सर, मैंने हम छोटी ही बातचीत कर रहे हैं इस मुद्दे पर, क्या कितनी ही बात करें कम है। कोई गाना, कोई शेर, कोई कविता अगर राहत साहब के लिए अगर आप रखना चाहें, सुनाना चाहें। नहीं, मैं राहत साहब को याद करता था तो मैं एक्चुअली अभी मैं वही सोच रहा था कि राहत साहब की पहुंच कैसी थी। राहत साहब टिकटॉक के बड़े स्टार थे। टिकटॉक पे उनकी एक लाइन है ना, वो बड़ी फेमस थी। मैं बुलाती है टिकटॉक, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बहुत चला टिकटॉक पे, मतलब जबरदस्त चला वो, और अलग अलग तरह से चलाओ। और उसके अलावा अभी मैं एक जैसे राहत साहब की कई सारी बहुत खूबसूरत शेर हैं और बहुत सारी अच्छी गजलें हैं, लेकिन मैं अभी एक मुन्ना भाई एमबीबीएस के गाने राहत साहब ने लिखे थे और इत्तेफाक ये हुआ कि लगे रहो के गाने मैंने लिखे। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में गाना राहत साहब ने लिखा था देख ले, तो उसके बारे में उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि जीवन है बर्फ की नैया, नैया पिघले हौले हौले, चाहे हंसले चाहे रोले। तो वो आज मुझे जावेद राहत साहब की नैया पिघल के वो महासागर में विलीन होती हुई नजर आई। मैंने कहा ये उन्होंने वही शायर ही लिख सकता है कि नैया पिघले हौले हौले, चाहे हंसले चाहे रोले। तो मैं वही ट्वीट किया मैंने अभी कि मैंने कहा वो नैया पिघली और सागर में विलीन हो गई, और जहां से आए थे वहां चले गए हम, माटी हो गए, खाक हो गए, लेकिन अल्फाज जो है वो गूंज रहे हैं राहत साहब के। तो मैं और कुछ दिनों पहले का इसी संदर्भ में मुझे आपका वीडियो याद आ रहा है जो आप लोगों ने बनाया था कि क्रेडिट तो दे दो यार वाला एक वीडियो जो था संगीतकार को। और फिर बहुत सारे कम लोगों को ये पता है कि कितने सारे फिल्मों के गाने राहत इंदौरी ने लिखे हैं। बहुत सही बात है, बहुत कम लोगों को पता है ये बात, बहुत कम लोगों को पता है। और बहुत माकूल, बहुत खूबसूरत गाने लिखे, करीब फिल्म के सारे गाने, इतने खूबसूरत गाने लिखे हैं राहत साहब ने। और इतने सारे अच्छे अच्छे गाने राहत साहब के नाम पे। तो ये तो राहत इंदौरी के गाने की बात हो गई। आपका कोई शेर, आपका कोई गाना, कोई कविता, कोई लाइन अगर आप राहत इंदौरी के लिए आज पढ़ना चाहें। यार मैं अब मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा, पर मेरी अपनी फिल्म का गाना है, मैं दो लाइनें सुना देता हूँ आपको क्योंकि शेर अभी एकदम मेरे साथ में कुछ नहीं है और मैं बड़ा उस तरह से वो नहीं हो रही। कोई बात नहीं। तो मैं फिल्मी आदमी हूँ तो मैं अपनी फिल्म का ही गाना आपको सुनाता हूँ जो राहत साहब को पसंद भी आया था बहुत, उन्होंने तारीफ भी की थी उसकी। ओके। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, हमको तो राही थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो, कहाँ से आया था वो, छू के हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। बहुत शुक्रिया स्वानंद जी बात करने के लिए। ये तो स्वानंद जी, राहत इंदौरी हमारे बीच नहीं है, आप सभी लोगों का नहीं है।